मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं अभिषेक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, आज मैं हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था टाइम एंड वर्क से टाइप वन के क्वेश्चन को ट्रिक से और बिना पेन और पेपर दोनों तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक टाइप वन के प्रश्नों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप वन टाइम एंड वर्क के जो टाइप वन के वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, ताकि इन प्रश्नों को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी आने पर उसे प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क से टाइप टू के प्रश्नों के बारे में। पिछले जो टाइप वन था उसमें हम क्या सीख रहे थे कि कोई दो व्यक्ति रहता था, उन दोनों व्यक्ति किसी काम को अलग अलग करते थे और मिलकर अगर उन कामों को करे तो कितने दिन में समाप्त कर सकते थे। इस तरह के प्रश्नों को हमने टाइप वन में पिछले वीडियोस में सीखा और आज हम सीखेंगे मान ले जाए ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ये दोनों मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करता है और ए व्यक्ति उसी काम को वाई दिन में करता है तो बी व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरह के प्रश्नों को हम ट्रिक के जरिए सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है गीता और मीना किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है जबकि गीता अकेले उसी काम को 8 दिन में करता है, तो मीना उसी काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम ट्रिक लगाने वाले हैं वो ट्रिक पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा ट्रिक होगा गुना बटे घटाओ, यानी ऊपर गुना नीचे घटाओ। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। और इस पर सॉल्व करने के बाद हम उस ट्रिक को भी सीखेंगे जिसके जरिए बिना पेन और पेपर के यानी इन प्रश्नों को प्रश्न में ही सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले क्या है, गुना करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट मिला हुआ है 24 और 8, यानी गीता और मीना यानी दोनों व्यक्ति मिलकर 24 दिन में काम कर रहा है, गीता अकेले 8 दिन में कर रही है, तो मीना कितने दिन में उस काम को समाप्त करेगी, ये हमारे पास प्रश्न है। तो पहला स्टेप क्या है, 24 और 8 दो डिजिट जो हमें मिला है इनको हम गुना कर लेंगे 24 और 8। तो क्या है दोस्तों, ऊपर गुना नीचे घटाओ, 24 माइनस 8, यहां पर 24 माइनस 8 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24 × 8/60। 8 से कटाइए इनको दो बार में, 2 से कटाइए 24 को 12 बार में, तो हमारा क्या आंसर निकल के आया 12 दिन
में। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ट्रिक के जरिए हम कैसे हल कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रश्न में ही कैसे हल कर ले, प्रश्न में ही प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का अगर प्रश्न आए और दो डिजिट दिया हुआ रहे, हमेशा ही रहेगा, अक्सर ये दो डिजिट ही रहेगा, कोई भी दो डिजिट हो सकता है, तो क्या करेंगे, इनको बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटा देंगे। तो 24 में 8 को अगर हम घटाते हैं तो 16 आता है, और घटाकर हम लिख लेंगे ये 16 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग विधि को यहाँ पर अपनाएंगे। तो 8 से हम डिवाइड कर देते हैं 16 को, 2 हो गया, और 2 से फिर कटा देते हैं 24 को, तो क्या हो गया 12 हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। तो दोनों परिस्थिति में, दोनों तरीके में हम क्या देख रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले जो ट्रिक विधि है इनको आप सीख लें और इन फॉर्मूला को याद रखें। इस तरह के प्रश्न आए तो उसमें सिर्फ गुणा बटा घटाओ, लेकिन जब हम घटाओ करेंगे तो एक चीज आपको याद रखना है कि ज्यादा जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी ज्यादा से कम, जो घटाओ का काम करेंगे नीचे, यहाँ पर ऊपर तो गुणा कर लेंगे हम, नीचे जब घटाओ का काम करेंगे तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर हमने दोनों विधि आपको बता दिया है। सबसे पहले आप ट्रिक विधि को सीख लें और उसके इस पर प्रैक्टिस करते रहें, और साथ साथ भी आप बिना पेन और पेपर के किस तरह से हम प्रश्न में ही सवालों को सोल्व कर सकते हैं वो विधि भी मैंने आपको बता दिया। तो दोनों विधि यहाँ पर मैंने दोनों मेथड आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूजा तथा संतोष दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि पूजा अकेले इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकती है, तो संतोष अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। ट्रिक हमारा क्या है, ऊपर गुना नीचे घटाओ, ये हमारा ट्रिक है। तो ऊपर चलिए गुना कर लेते हैं, 16 गुना 24, और घटाओ में हमने क्या बोला था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 24 में यहाँ पर 16 हम घटा रहे हैं, 16 गुना 24 को हम लिख लेते हैं, और घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, 8 तिया 24, 3 16 तिया 48, 48 दिन में, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 48 दिनों में। अब इसी प्रश्न को हम बिना पेन और पेपर के जरिए सोल्व करेंगे। पहला मेथड तो हमारा था ट्रिक के जरिए, दूसरा बिना पेन और पेपर के। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, दो डिजिट को पहले हम ढूंढेंगे कहां कहां क्या क्या है। तो एक पहला डिजिट 16 और दूसरा 24। तो 16 और 24 हमारे पास दो अंक है, ऊपर तो गुना हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं करना। पेन और पेपर वाले मेथड में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में दो अंक हमने देख ली, 16 और 24। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं को घटाकर हम कहीं भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न के नीचे लिखें। तो ये 8 हमने लिख ली, 24 में 16 को घटाया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इन 8 को डिवाइड करेंगे 16 में। तो 8 दूनी 16, दो बार में कट गया, और 24 गुना 2 कर लेंगे, कितना हो गया 48। ये एक दो कैलकुलेशन है, एक दो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो ये हम कोशिश करेंगे कि हमने मन में ही हो जाए। तो 48 क्या हो गया, 48 दिन। तो दोनों ही मेथड में हम क्या देखते हैं कि 48 यानी सेम ही आंसर आता है। अगला प्रश्न है, ए किसी कुआं को अकेले खोदने में 4 महीने लगाता है तथा ए और बी एक साथ खोदता है तो कुआं 2 महीने में खुद जाता है, अगर बी अकेले उसे खोदना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा। यहां भी दोस्तों दो व्यक्ति का काम इकट्ठा दिया हुआ है और फिर एक व्यक्ति का अकेले काम दिया हुआ है, फिर बोलता जो एक व्यक्ति अकेले है उस काम को करना चाहे तो कितने दिन में करेंगे। तो सेम मेथड वही है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, अंक 4
और टू ये है। यहां पे हम ट्रिक पे सोल्व नहीं करेंगे, बिना पेन और पेपर वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट मिल चुका है, चार और दो, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के हम लिख देंगे। तो चार में हम जब दो को घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दो आ जाता है। इन दो को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी संख्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं जस्ट प्रश्न के नीचे, वो बट्टा में आ रहा है, यानी 2 × 4 है, 4/2 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो को हम क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, 2 से कट गया। अब 2 और 2 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 और 2 को गुना करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, 4। ये हमारा आंसर हो गया, यानी 4 महीने में। आप सभी से विनती करते हैं कि आपने अगर अभी तक टोटल एग्जाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और विशेष जानकारी के लिए आप टोटल एग्जाम के वेबसाइट www.totalexam.net पर भी जा सकते हैं। हर तरह के एडमिट कार्ड, हर तरह के रिजल्ट, हर तरह के आंसर की और कुछ ईबुक्स और कई तरह की जानकारियां आप वहां से ले सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ हमारा वेबसाइट है, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। एक और प्रश्न को देख लेते हैं, अभी हम टाइप टू में चल रहे हैं। टाइप टू में देखिए हमारा चौथा जो प्रश्न है वो है, ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। अगर ए और बी उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। इसमें इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमें तो 2 ही डिजिट चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 50 आदमी है, 60 आदमी है, हमको उससे मतलब नहीं, हमारे पास 2 डिजिट चाहिए जो हमको मिल चुका है, 3 और 4। और क्या बोलता है यहाँ पर, एक इंडिविजुअल, और लास्ट में हम क्या देखेंगे, एक इंडिविजुअल सी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वो अकेले अगर उस काम को करना चाहे तो कितना दिन में कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसे पहले ट्रिक पर सोल्व कर लेते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या है, ऊपर गुना नीचे घटाओ। घटाओ हमेशा आपको पहले भी बता रखे हैं कि जब भी हम घटाएंगे नीचे तो बड़े वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो ऊपर हम गुना करना है, क्या करना है, हमारे पास 2 डिजिट है, 3 और 4, इन्हीं को गुना करना है, और नीचे हमको घटाना है। तो हम घटाने वक्त मैंने क्या बोला कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना, यानी 4 में 3 को घटाना। ऊपर क्या हमारा 3 × 4 ही रह जाएगा, और नीचे 4 में 3 जब घटेगा तो 1 हो जाएगा। जब इनको हम सरलीकरण करेंगे, इनको गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये हमारा आंसर आ गया 12 दिन में। अब देखते हैं दोस्तों इसी को हम बिना पेन और पेपर के सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो डिजिट ऑलरेडी है, 3 और 4 है। हम क्या करेंगे यहां पर, वो आपस में दिनों दोनों को बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के लिख लेंगे। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, दोनों को गुना कर देंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आया और आपस में दोनों को जब हम घटाएं 1 आए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों को गुना कर लेंगे 4 और 3 को। जब 4 और 3 को गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, टाइप टू को ही लेकर हम चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, यानी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, तथा आदमी व औरत मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों यहां पर 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं और 2 मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो तीसरा अकेला जो बच जाता है बोलता है उसके बारे में कि वो कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो हमारे पर 2 डिजिट हमको मिल चुका है, 10 और 15। चलिए सबसे पहले हम ट्रिक पर सोल्व करते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या है, गुना बटे घटाओ में हम क्या करेंगे, 10 × 15 कर लेंगे, और घटाओ में हम बड़ी संख्या में घटा लेंगे छोटी संख्या को, 15 घटाओ 10 हो गया। ऊपर हम लिख लेते हैं 15 × 10/, जब घटाएंगे तो हमारे पास कहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 से कटा दीजिए, 5 × 2 = 10,
दुगुना 15 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। अब इन्हीं सवालों को हम सोल्व करना चाहें बिना पेन और पेपर के, तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 15 में 10 घटाएंगे तो 5 हमारा आ गया, और 5 से हम क्या करेंगे इन 10 में भाग दे देंगे या 15 में भाग देंगे, किसी एक में भाग कर लेंगे, तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे गुना कर लेंगे दोनों को, 15 गुना 2 कर लेंगे तो क्या आ गया 30 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में Type 1 के वीडियोस को दे रखा हूं, वहां जाकर सबसे पहले आप Type 1 के वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपके लिए ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज हमने लिख रखा है www.facebook.com/totalexam। आप हमारे ट्विटर हैंडल पे भी जा सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है TotalExam5। आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 8887555563। अब मैं चाहता हूं इजाजत, अगले वीडियोस में जल्द फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।